विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना को लेकर आपने जिस तरह से गरीब जनता को, माताओं बहनों को गैस सिलेंडर और ये उपलब्ध करवाने, इसके आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, दिल्ली और विशेष तौर से संगम विहार की गरीब जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाया जा सके, उनके लिए मैं संगम विहार के अंदर पिछले 2 सालों से ज़मीनी स्तर के ऊपर कार्यरत हूँ और आज विशेष तौर से समाज के उन पिछड़े वर्गों को जिनके घरों में कोयले से चूल्हे जलते थे, लकड़ी के धुएं से जिनका स्वास्थ्य दूषित होता था, महिलाएं कई बीमारियों से ग्रसित होती थी, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस चूल्हे और कनेक्शंस को उपलब्ध कराने की पहल दक्षिण दिल्ली की सबसे गरीब बस्ती संगम विहार में मैंने की है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को भी आज हमने संगम विहार में शुरुआत की है और इसका शुरुआत भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष रोहतास भदौरी जी के कर कमलों द्वारा अनेक पिछड़े वर्गों के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को संगम विहार में मेरे मंगल बाजार स्थित कार्यालय में सहर्ष स्वीकार किया है। ये भारत दिल्ली वे संगम विहार में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में संगम विहार और दिल्ली की जनता के बढ़ते हुए प्रभाव व बढ़ते हुए प्यार और सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। सर, कहा जा रहा है कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव को लेकर भी ये है, एक स्टंट है ये, और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक तरीका आपने अपनाया। चुनाव तो आते हैं और चुनाव चले जाते हैं, हम तो वो मतवाले हैं, हम तो वो भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो किसी चुनाव